हेलो, सब खैरियत? सहरियत ही तो नहीं है यार। क्या हुआ? तू ठीक है ना? वो लड़की थी ना, भाभी की दोस्त, जिससे आज मिले थे। अरे हाँ, वही जिसने तेरी और मेरी दोनों की बेइज्जती की थी, और वो भी मेरी फियांसे के सामने। उसका पता करवाना है। कहाँ रहती है, कौन है, उसका फोन नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ। ओ भाई सुन मेरी बात। इलावाज में छोटी सी बात को दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। चिल कर और सो जा। टाइम देख, रात के 2 बज रहे हैं और मुझे भी शदीद नींद आ रही है। अच्छी लगी है यार, बड़ी दबंग लड़की है। देख, बिना बात के उसने 50 बातें सुना दी, और अगर सोच तेरी वो बीवी बन गई तो बात बात पे कितनी बातें सुनाएगी, ये सोच बस। तू बस भाभी से पूछ के वो कहाँ रहती है, उसका फोन नंबर, सब कुछ मुझे चाहिए। अच्छा, बाय द वे, वो भाभी की क्लास फेलो है ना? सिर्फ क्लास फेलो नहीं है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और जरा सोच कितना अजीब लगेगा, मैं निम्रा से उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर मांगू, मतलब शादी होने से पहले ही तलाक करवा देगा तू भाई। बात सुनो, तुम मेरा वक्त बहुत कीमती और जाया मत करो। मुझे उसका नंबर चाहिए है, किसी भी हालत में चाहिए। उल्टे हो, सीधे हो, आड़े तिरछे, मुझे नहीं पता। आई नीड हर नंबर एंड दैट इज इट। अच्छा यार, करता हूँ कुछ। और उसे मिलवाना भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हाफिज़।